ईदियों वालों, ईदी आने लगी है और कभी कभी इत्तेफाक से। वाह वाह क्या बात है, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। यार सबसे पहले बाबा जी यह चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह आज इतना खूबसूरत मौसम है भाई, चस आ गई है बाहर से, इतनी प्यारी धूप निकली हुई है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं बसंती को लूँ और बस दूर निकल जाऊं कहीं, लेकिन आज बहुत सारे काम है, घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ और बाहर के काम भी करने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जा रहा हूं पहले वेस्टर्न यूनियन, जिन्होंने ईदी विन की है उनको ईदी देते हैं। और मज़े की बात यह है, देखो यार इतना ट्रस्ट है माशाल्लाह मेरी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, और सारों ने वीडियो बना के मुझे भेज भी दिए हैं मेरी रिक्वेस्ट पर। मैंने उन्हें कहा था मुझे वीडियो भेज दे, मैं आपको पैसे भेज दूँगा, तो वीडियो आ गई हैं उन पर, मैं ईदी ना भेजा लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं सबके क्लिप्स दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई इमरान, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मेरा पहला इनाम निकला था कशफात्मा के नाम से, अब मुझे ईदी मिल गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू इमरान भाई, आप बहुत डिसेंट इंसान हैं, आपने ईद के मौके पर मुझे ईदी भेजी, मेरा गिव अवे में इमरान दाजी में नाम निकला है। और अब मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को लाइक करें और मौका जीतें ईदी हासिल करने का, ऐसे गिव अवे जीतने। अस्सलाम वालेकुम, इमरान भाई ने जो गिव अवे ईदी रखी थी उस एक ईदी के अंदर मेरा भी नाम निकला है, तो मैं अपने सब दोस्तों से ये कहूँगा कि इमरान भाई के चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हो सकता है कि अगला इनाम आप लोगों में से किसी का भी हो सकता है। तो मैं तो बहरहाल बहुत खुश हूँ कि मुझे तो अच्छी खासी ईदी मिल गई है, तो थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इमरान अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पैसे भेज दिए हैं, थैंक यू आपका। आपके बहुत अच्छे व्लॉग आते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत ही पसंद आते हैं हमें, आप बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, ये इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद रखता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा दे। मैंने अपने बेटे के नाम की पर्ची डाली थी फरकान अली के नाम से, तो वो माशाल्लाह उसका नाम निकल आया वो बहुत खुश है कि मैं इतना लकी हूँ कि मेरी ईदी निकली है। तो माशाल्लाह इमरान भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा दे, आप अच्छे व्लॉग बनाते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आप काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर ईदी मुबारक। खैर मैं भी जा रहा हूँ पहले वेस्टर्न यूनियन आप लोगों को आपकी अमानत आपके हवाले करने, उस दिन भी गया था लास्ट वीडियो में लेकिन वो बंद हो चुका था, और उसके बाद हमारे यहाँ पे ना एक ईद कार्निवाल है, तो ज़रा उसका विजिट करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने पढ़ा है वहाँ पर फूड स्टॉल्स वगैरह हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो भी चल के देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो चल निकलते हैं। ईदियों वालों, ईदी आने लगी है और अच्छी बात यह है कि आज खुला भी है, तो चलो अंदर चलते हैं। ईदियाँ डिपॉजिट हो गई हैं सबकी, शुक्र है अल्लाह का, मैंने जमा करवा दी हैं, कुछ देर बाद वो जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम निकलते हैं जो मैंने बताया था कार्निवाल का, तो उधर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, निकलते हैं। Baby, 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 baby
ये चाह रहा हूँ, इस वक्त मैं हूँ 401 पे, हमारे यहाँ पे बहुत फेमस जो है वो रोड है, हाईवे है, मोटरवे है, और ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि कितनी लाइनें हैं और सारी ब्लॉक हुई हुई हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है और फुल रश है और फिर भी इतनी ट्रैफिक होती है। ये बड़ी बिजी है हाईवे यहाँ की, हमारी टोरंटो की, जीटीए की। और आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा चस आ रहा है जी। उसकी वजह ये है कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ पैसेंजर सीट पे, आज मैं ड्राइव नहीं कर रहा, तो आज आपकी भाभी ड्राइव कर रही हैं और मैं याशी कर रहा हूँ। ये हमारे राइट पे है मिसिसागा, यहाँ का टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब ट्रैफिक कुछ बेहतर हुई है। ये मेरे राइट पे आ गया है एयरपोर्ट का रनवे। यहाँ पे अक्सर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके तो प्लेन को जो है वो उतरता हुआ देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल रनवे के साथ जो है वो रोड है, वो प्लेन खड़े हैं। ब्यूटीफुल वेदर हुआ हुआ है, ब्यूटीफुल वेदर, वेरी नाइस। भाजी भाजी सीन ये है कि हमारा जो रास्ता है ना वो 20 मिनट का था, तो हम आधा घंटा लगेगा हमें पहुंचने में, क्योंकि स्पीड लिमिट बड़ी पूरी पूरी है। क्यों जी? अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए दो अशार जो है वो सुनाता हूँ, क्योंकि YouTube फैमिली काफ़ी बढ़ गई है और नए नए दोस्त मिल रहे हैं और मेरे जहन में ये गाना आ रहा था। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा इसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। भाई मेरे वाली तो मेरे पास बैठी है, मैं तो वो
दूर वाला का कोई जिक्र नहीं कर रहा था। और इस चक्कर में हमारी स्पीड भी बड़ी तेज हो गई है, अब पहले 100 का जोन था तो 100 पे जा रहे थे, अब 125 पे चले गए हैं। हमारे राइट पे मॉल है और ये एग्जिट है ट्रफॉल्गर का। अब हम जा रहे हैं स्टील्स एवेन्यू पे, यहाँ पे कार्निवल लगा हुआ है। लेट्स सी कि वो क्या सीन है, अंदर चल के देखते हैं। ये है जी टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स, ये तो काफी बड़ा मॉल है, अंदर इसके क्या सीन है, आई डोंट नो। गुड, ये सही है भाई निकल के। तो हम लोग जो है वो एक ब्रिज बनाया हुआ है पार्किंग से निकल के सीधा मॉल में जाने के लिए। दैट इज गुड, फर्स्ट टाइम इस मॉल में आए हैं हम लोग, पहले नहीं आए कभी। और ये एरिया है मिल्टन का। ईद कार्निवल के वाले से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये हमें यहाँ पे हारिस भाई मिले हैं, इनका एक रेस्टोरेंट भी है, इन्होंने हमें फ्री सैंपल टेस्ट करवाया और बहुत टेस्टी है, आप लोग भी जरूर आए। हारिस भाई सलाम अलैकुम। आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है? ये चीज इट्स लोकेटेड इन मिल्टन 401 एंड जेम्स नो पार्कवे। अच्छा अच्छा, नाइस, बहुत मजे के हैं आपका ट्राई किया पराठा रोल्स वन कबाब का। अच्छा, ट्राई करने से क्या होता है, गूगल पे हमने बिजनेस आरंभ किया लास्ट 6 इयर्स। अच्छा नाइस, सो चेक अस आउट एंड इफ यू हैवंट ट्राइड अस येट यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। ठीक है, अपना फोन नंबर दे दें। स्टोर फोन नंबर इज 9058754320। चलें ठीक है, मैं आपका नंबर ना इस पे लिख भी दूंगा। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, जबरदस्त। ईद के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे और अंदर मॉल में भी चलते हैं, ये कह रहे हैं अंदर भी काफी सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स हैं। क्या जबरदस्त मौसम है, दुनिया एंजॉय कर रही है बाहर भी अंदर भी, वेरी नाइस लवली। चलें अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। हाँ काफी कुछ है ना, चलो देखते हैं अंदर चल के देखते। वेरी टेस्टी भाई मसाला फ्राइज। चलो पहले उस तरफ चलें, इधर चलते हैं। लगी प्लेट, प्लेट अभी वैसे पेट फुल है, मैंने कहा मैं आपका दिखा दूं जरा। नहीं मैं कहते एक दफा प्लेट लेके जाए। अच्छा, तो उसकी पिक्चर पे ऐसा तो साथ खाते जाए, मजा आ जाएगा। मैं फिर वापसी पे चक्कर लगाता हूं, तो अभी आप ले जाए वापसी, वापसी पे फ्रेश खाएंगे ना आपसे बनवा के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ना अपने पाकिस्तानी काफी स्टॉल मुझे खाए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, चने नाइस।
कुल्फियाँ, हाँ जी गोल गप्पे कुल्फियाँ, वेरी नाइस। मेन लगता है वो मिडल जो एरिया है ना, वहाँ पे मेन एरिया है जहाँ पे म्यूजिक और पूरा कार्निवाल चल रहा है। ये भी कोई पाकिस्तानी स्टॉल्स कपड़े, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? वधिया वधिया, बहुत सोने हैं। थैंक यू। नाइस। बिलो? हाँ जी। लगता है जट्टी, जुत्ती भी है। चलो वेरी गुड जी, कितने शॉप तड़ी है? मेरी सेंड एंड आस। मिस सागा जी हैं? चलो गुड। थैंक यू। वेरी नाइस जी, तोड़ा स्टॉल बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, बड़ी रौनक लगी हुई है। अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो है वो इंडियन पाकिस्तानी जो है वो सारे सेलिब्रेशंस को शेयर करते हैं। जब ईद आती है तो सारे हमारे इंडियन भाई बहन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह हम लोग इनके दिवाली पे और बाकी फंक्शंस पे जो है वो हम लोग शेयर करते हैं सारी इवेंट्स। इधर राइट पे बल्कि पाकिस्तानी इंडियन के अलावा जो और कम्युनिटी है वो भी सब लोग शेयर करते हैं, अफगानी और दूसरे लोग भी। नाइस। ये है ज्वेलरी स्टॉल। नाइस। rania.com। Nice, beautiful.
वेरी नाइस। एक कप चाय मुझे भी दे दें मीठा पाके। कितने का है? $5 सर। $5 ये लें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बड़ी मजे की जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आया आज मुझे खुद यहाँ पे घूम के इंजॉय करके, मुझे खुद बड़ा मज़ा आया और बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। मुझे ये खुशी होती है कि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कितना साफ सुथरा, बड़ा ख्याल रखते हैं सफाई का। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसा ही हो, सफाई हो, कोई गंद ना फैला हो, जो चीज़ गार्बेज में फेंकने वाली है उसको गार्बेज में फेंका जाए। तो समझ लें कि मेरा ये पैगाम है सबके लिए कि जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें, कोई गंद नहीं होना चाहिए, बल्कि गंद पड़ा हुआ तो उसको उठा के गार्बेज में फेंकें। तो बहरहाल इसी ख्याल से, इसी उम्मीद से, इसी दुआ से मैं आज की इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।